क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, न जाने कितने ही सवाल आ जाते हैं हमारे मन में जब हमें ये पता चलता है कि हम जो है मेडिकली अनफिट हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि अपने सवालों के जो है हम जवाब ढूंढ सके। कभी कभी जो है हमारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, तो कभी वही हमारे सवालों के जवाब जो है वो अधूरे रह जाते हैं। बट यहाँ रश्मि सिंह ब्लॉग्स में आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना आप सबके लिए, आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितनी नॉलेज मुझे है, जो चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे है, मैं वो सारी चीज़ें आप सबसे शेयर करूँ, वो सारी नॉलेज आप सबको दे सकूँ, ताकि आप लोगों के भी हेल्प हो सके। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह व्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो ये है क्वेश्चन आंसर का व्लॉग पार्ट 2। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन आंसर का एक व्लॉग पार्ट बनाया था, जो कि आई बटन में आप जाके क्लिक कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो। गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि अभी तक जो मैंने है पोस्ट ट्रांसप्लांट बहुत सारी टॉपिक्स कवर कर ली है, जैसे डाइट हुआ, रूटीन हुआ, आपका क्या रूटीन होना चाहिए, आपको कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहिए। मैंने वो सारी वीडियोस जो है अभी तक कवर कर ली है। इनफैक्ट मैंने प्री ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट के पहले डायलिसिस की भी कई वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है मेरी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगी। आप प्लीज़ वहाँ जाइए, मेरी वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए गाइस, बढ़ाते हैं मेरे व्लॉग को आगे। लास्ट में कम्युनिटी में पोस्ट में मैंने पूछा था कि मैं क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग डालने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चनों का, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो मैं उन लोगों का स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो है मुन्ना शाम का। वो लिखते हैं, क्या ट्रांसप्लांट करने के बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है? सिस, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा नाम साबिया और कितना दिन बाद बच्चा लेना है, क्योंकि मेरा अभी बीवी नहीं है। इनका जो क्वेश्चन है ये है साबिया। इन्होंने मुन्ना साहब, आई थिंक कोई होगा जिनके अकाउंट से इन्होंने मैसेज किया है। उन्होंने लिखा है कि क्या ट्रांसप्लांट करने के बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो साबिया, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस बात का आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आपकी लाइफ ट्रांसप्लांट के बाद जो है अच्छी नहीं होगी। ट्रांसप्लांट के बाद जो है चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी आपके लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर डायलिसिस पे थे, यानी जब आपके किडनी फेलियर का पता नहीं चला था आपको, जैसे वो लाइफ आप जी रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लाइफ आप जियोगे। इनफैक्ट आप उससे बेटर लाइफ जियोगे, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं। भले ही हमें ये ना पता चला हो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें किडनी हमारी फेल हो गई है या होने वाली है, कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे हम सब पहचान नहीं पाते। तो मैं इस टाइम बता रही हूँ कि पोस्ट ट्रांसप्लांट, यानी अभी जो है मेरा 6 मंथ्स हो चुके हैं ट्रांसप्लांट के बाद, और मुझे अभी तक कोई वॉमिटिंग की सिम्टम, कोई वॉमिटिंग एक बार भी मुझे नहीं आई है। जो कि वॉमिटिंग जो है डायलिसिस के टाइम में मुझे बहुत होती थी, और डायलिसिस से पहले, यानी जब मुझे पता नहीं था कि मेरी किडनी फेल हो गई है, उस टाइम भी मुझे वॉमिटिंग आती थी। तो एक चीज़ ये है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे बहुत हमें राहत मिल जाती है। आपको भूख जो है बहुत तगड़ी वाली लगती है, तो आपको बहुत सारा खाना खाने का मन करता है। जबकि हम ये चीज़ें ये देखते हैं कि जब हम डायलिसिस पे होते हैं या फिर डायलिसिस के पहले जो हमारी कंडीशन होती है, हमें बिल्कुल खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं आपके अंदर। तो किसी भी चीज़ को जो है पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना सीखिए। प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम जो है हर किसी के साथ हो सकती हैं, आपके साथ हुई हैं। कल जिंदगी को पॉजिटिव नज़रिए से देखिए। जो नई जिंदगी मिली है हमें, उसे और अच्छा कैसे हम कर सके और बेहतर कैसे बना सके, इसके बारे में सोचिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है आपकी ज़िंदगी जो है और ख़राब हो जाएगी। कहने वाले बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन कहने वाले के ऊपर ध्यान बिल्कुल भल मत दीजिए। मैं आप सबके सामने बैठी हूँ और मुझे अभी 6 मंथ्स हो गए हैं ट्रांसप्लांट को। मैं जो भी आप सबसे शेयर करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मैं उसमें कोई झूठ शेयर करती हूँ। जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी लाइफ में अभी तक,
वो सारी चीज़ें मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ट्रांसप्लांट के बाद जो है आपकी लाइफ बहुत 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 बेहतर होती है, और हमें जो है अपनी सोच से, अपने लाइफ स्टाइल, अपने डाइट से इसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, ताकि हम फिर से उस हॉस्पिटल के बेड पे जाके एडमिट ना हो हर टाइम, जहाँ से हॉस्पिटल में जाने के बाद ये लगता था कि कब मुझे वह दिन आए जब मुझे अपने घर जाना हो। मैंने भी वो चीज़ें काफ़ी सफ़र की हैं और मैं दोबारा नहीं चाहूँगी कि वो चीज़ें फिर से मुझे सफ़र करनी पड़े। तो साबिया, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और रहा साहब सवाल प्रेगनेंसी का, तो मैंने इसके लिए भी एक मिथ और फैक्ट्स का वीडियो डाला है, जब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप वहाँ जाके चेक कर लेना। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के लिए अपनी बॉडी को थोड़ा रिकवर होने दीजिए। आपकी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत है अभी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ट्रांसप्लांट को 1 साल हो गया है तो आप कंसीव कर सकते हो, नहीं। आपको इसके लिए आपके डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। कभी भी ऐसे स्टेप्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपके बेबी नहीं हो सकता है। इसमें चांसेस बिल्कुल हैं कि आपके बेबी हो सकते हैं, बट थोड़ी सी अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम दीजिए। तो होप मेरी जो आंसर है आपको, आप सेटिस्फाइड होंगे इससे। तो थैंक यू सो मच साबिया कि आपने मेरे से ये सवाल किया। तो गाइज, बढ़ते हैं अपने सेकंड सवाल के पास, जो है वो है स्वाति गोयल का। इन्होंने लिखा है, हे रश्मि, होप यू आर डूइंग वेल। डू यू गेट स्वेलिंग ऑन फेस ड्यू टू मेडिकेशंस लाइक वाइसलॉन? हाउ मच टाइम इज नीडेड टू हील पोस्ट ट्रांसप्लांट? वेल स्वाति गोयल, एक्चुअली हाँ, वाइसलॉन के जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि ये स्टेरॉयड्स होते हैं और स्टेरॉयड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हम सबको पता है कि कितने ज़्यादा होते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि ये स्टेरॉयड्स जो है अभी हमें दिए जा रहे हैं एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट। हम सबको पता है कि ग्राफनोस इम्यूटिल के बाद ये जो है वाइसलॉन ये दिया जाता है, और ये तीनों जो है लाइफ टाइम के लिए चलने वाली हैं। बट क्या है कि ऐसा नहीं है कि वाइसलॉन का जो इफ़ेक्ट है अभी वो हमेशा आपके लिए रहेगा, नहीं। अब स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग फेस पे भी आ जाती है। और आप भी मेरे और जब फर्स्ट वीडियो देखोगे, मैंने जब पहला वीडियो अपना बनाया था पोस्ट ट्रांसप्लांट का, उस टाइम मेरे फेस पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। अभी 6 मंथ्स में करते 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 अभी बहुत कम हुआ है, क्योंकि जो लोग अभी मेरे घर में हैं, देखते हैं सारे लोग, और वो लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी जो है पहले से काफ़ी स्वेलिंग कम है। तो यानी और ज़्यादा आगे जो है और स्वेलिंग कम होगी इस चीज़ की। तो वाइसलॉन के ये इफ़ेक्ट हैं कि वो स्वेलिंग करता है, उसकी वजह से आपको एक्नेस भी आ सकते हैं फेस पे। लेकिन वाइसलॉन की वजह से भूख भी बहुत लगती है आपको, और उसी की वजह से वेट गेन होता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं वाइसलॉन के। तो इस पर इतनी टेंशन करने की कोई बात नहीं है, ये धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है आपकी सेटल हो जाएंगी। और आपने ये पूछा है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट बाद लाइफ, हाउ मच टाइम इज़ नीडेड टू हील द पोस्ट ट्रांसप्लांट? तो ये सबकी बॉडी के ऊपर है, जितनी जल्दी आपकी बॉडी भी रिकवर करेगी उतनी ही जल्दी ये जो है आपके पोस्ट ट्रांसप्लांट हील हो गए, यानी कि आपके स्टिचेस के पेन जो है हील होंगे। मेरे लगभग अगर मैं बोलूँ तो 15 डेज तक मुझे डास्टिक पेन था, मतलब मुझे लेट के उठने में प्रॉब्लम होती थी, और मैं वॉक भी करती थी या फिर 5 मिनट से ज़्यादा अगर मैं खड़ी रह जाती थी तो मुझे बहुत पेन होता था। सबसे ज़्यादा जो मेरे जो हेल्प किया वो है मेरा वॉकिंग। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इस टाइम किसी की भी हेल्प नहीं ली। मुझे एक अपने रूम में मैं सारी चीज़ें खुद से करती थी। इवन मुझे वॉशरूम जाना होता था, मैं लेट के उठती थी, मुझे बहुत पेन होता था, लेकिन फिर भी मैं अपने सपोर्ट से, अपने हाथ के सपोर्ट से मैं उठती थी, मैं जाती थी। तो क्या है ना, आप जितने खुद के ऊपर डिपेंडेंट होगे, आप जितने खुद के ऊपर डिपेंडेंट होगे, जितने सहारा आप लेना बंद करोगे, क्या होता है कि हम कुछ थोड़ा दर्द होने लगता है, फिर हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं कुछ। तो ना, जितना आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होगे चीज़ें उतनी ही बेटर होंगी। शुरू में पेन होगा लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए उतनी ही बेटर होती जाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे किया है और मेरी काफ़ी मुझे राहत मिल गई इन सब चीज़ों से, मेरे पेन से। इवन मेरे वॉकिंग ने मुझे बहुत बहुत बेनिफिट की है। तो जितना हो सके उतना वॉकिंग करिए आपके ट्रांसप्लांट में,
होने के तुरंत बाद बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, और उतनी ही ज़्यादा जो है आप हील हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है उतनी ही तेज़ी से रिकवर होने लगेगी आपकी। प्लस आपकी डाइट जो है वो अच्छी लेनी है, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंजेस करनी है, आपको हाइजेनिक तरीके से रहना है, इवन आपके बॉडी पार्ट्स को क्लीन करके रखना है, हर एक चीज़ करना है, अपनी बेडशीट चेंज करनी है। तो ये सारी जो है चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और आपका जो है अपने ऊपर डिपेंडेंसी, यानी अपने ऊपर जितने आप डिपेंडेंट रहोगे उतनी ही जल्दी आपके जो है हील करोगे। तो आई होप स्वाति मेरे जवाब जो है आपको सेटिस्फाइड क्यों होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चनिंग टू मी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो है प्रदीप आज़ाद का, ये लिखते हैं, हाय रश्मि, ड्राई वेट इन डायलिसिस के बारे में एक्सप्लेन करें, जिससे एग्जैक्टली पता चलता है कि कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड डायलिसिस में निकालें। हेलो प्रदीप, वेल आपका क्वेश्चन जो है डायलिसिस से रिलेटेड है। तो आपने जो पूछा है कि ड्राई वेट, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी ड्राई वेट होता क्या है। तो ड्राई वेट जो है आपका वो वेट होता है वह आपकी बॉडी का विदाउट एनी एक्स्ट्रा फ्लूइड, यानी आपके शरीर में जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड ना हो, स्वेलिंग ना हो। क्योंकि स्वेलिंग किस वजह से होता है, जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड बनता है तो स्वेलिंग ना हो, तब वो जो वेट होता है ना आपकी बॉडी का, उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट। लगती है जब हमारी स्वेलिंग आ जाती है, जब एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, और जो यूरिन के थ्रू हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं निकल सकता हमारी बॉडी से, क्योंकि किडनी काम करना बंद कर देती है, या फिर किडनी बहुत स्लोली काम करती है, डैमेज हो चुकी होती है, तभी जो है डायलिसिस का सहारा हमें मिल देता है, और उस टाइम डायलिसिस जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालता है हमारी बॉडी से। तो जब आपको स्वेलिंग आती है, मेरे केस में मैं बताऊंगी अभी आपको कि जब मेरे डायलिसिस हो रहा था, तो मुझे जब मेरे फर्स्ट डायलिसिस हुआ था तो आईसीयू में थी, उस टाइम मुझे स्वेलिंग नहीं थी कहीं भी, मुझे स्वेलिंग नहीं थी। लेकिन जब मेरा पहला डायलिसिस हुआ, जब मेरा पहले डायलिसिस हुआ और उसके बाद से जो है मुझे बहुत स्वेलिंग होने लगी थी, इतनी स्वेलिंग कि अब मैं अपना चेहरा पहचान भी नहीं सकती थी। तो ये केस मेरा अलग ही हो गया था कि डायलिसिस के बाद मुझे स्वेलिंग होने लगी थी, और जब मुझे आरएमएल में डायलिसिस होता था, उस टाइम पता नहीं चलता था कि ड्राई वेट कितना है, वो कितना फ्लूइड निकाल रहे हैं, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता था मुझे। उसके बाद से जब मैं डिस्चार्ज होकर अपने घर आई, और फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, यही नोएडा के प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी डायलिसिस होती थी, और उस टाइम से मेरी स्वेलिंग जो है ना बिल्कुल कम होने लगी। कुछ स्टेप्स मैंने लिए और कुछ फ्लूइड्स निकलते थे वहाँ पे, वो बिल्कुल देख पर के फिर मेरा जो है, फिर ड्राइवर मुझे पता चल गया मेरा कि कितना था नॉर्मली। जब पूरा फ्लूइड निकल गया मेरी बॉडी का, बिल्कुल भी स्वेलिंग कहीं नहीं थी मेरी बॉडी में, तब जो है वो जो बॉडी वेट था वो था मेरा ड्राई वेट। उसके बाद से जब भी मैं डायलिसिस के लिए जाती थी नेक्स्ट टाइम, अगर फ्लूइड बड़ा होता था तो वो पता चल जाता था मुझे कि अच्छा इतना फ्लूइड बड़ा है, तो इससे थोड़ा सा और अधिक फ्लूइड निकालना है डायलिसिस में या निकलवाना है। तो मेरे जो ड्राई वेट है उस टाइम मैंने नोटिस कर लिया था। तो बस यही है आपका भी ड्राई वेट, जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगा, तो जो भी वेट होगा आपकी बॉडी का वो होगा आपका ड्राई वेट। और उसके बाद अगर आप डायलिसिस के लिए जाते हो और फ्लूइड जो बढ़ा है आपके शरीर में, आप वेट कर, वहाँ पे वेट होता है, वेटिंग मशीन होती है, वेइंग मशीन होती है, और आपको वेट करना होता है डायलिसिस के पहले भी और डायलिसिस के बाद भी, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में जो है कितना फ्लूइड जो है वो बढ़ा है, और उसके अनुसार ही वो लोग आपका जो है डायलिसिस करेंगे और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो निकालेंगे। टिप्स भी दिए थे कि आपके स्वेलिंग जो है कैसे कम हो सकती है आपकी बॉडी की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाइए और चेक करिए मेरी वीडियो को, और आप देखेंगे खुद ही कि स्वेलिंग से मेरे फेस जो है कैसा हो गया था, मैं बिल्कुल भी पहचान में नहीं आती थी, और धीरे धीरे करके जो है मेरी स्वेलिंग कैसे अपने आप ही कम हो गई, और मैंने जो कुछ स्टेप लिए थे वो कैसे काम आए मेरे। तो वो प्रदीप, आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। तो गाइज बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिन्हों है महेश शर्मा जी का। इन्होंने लिखा है कि दी मेरा डायलिसिस पर बीपी लो हो जाता है, क्या करूं। इनका भी जो क्वेश्चन है वो डायलिसिस से रिलेटेड है, यानी मेरे प्री ट्रांसप्लांट वीडियो से रिलेटेड है।
महेश शर्मा जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि डायलिसिस जो है ना, हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा वीक करने लगता है। इस टाइम हमें जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बनते हैं हमारी बॉडी से, जब वो निकलने लगते हैं ना, एक साथ ही वो निकलते हैं, तो चीज़ें अनबैलेंस होने लगती हैं। यानी बीपी लेवल जो है हमारा लो हाई होने लगता है, शुगर लेवल में थोड़ी सी डिफरेंस आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कि कभी भी डायलिसिस पे जाने से पहले अच्छे से खाना खा कर जाइए अपना। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने थोड़ा सा खा लिया और मैं डायलिसिस कराने चल। डायलिसिस कोई छोटी चीज़ नहीं है, डायलिसिस खुद में ही बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो है हमारी बॉडी को पूरी तरह से वीक बनाते जाता है, क्योंकि केमिकल्स के से जो है, केमिकल्स के हेल्प से हमारी बॉडी की क्लीनअप होती है और ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है। जैसे कि जो वर्क किडनी करता है वो सेम वर्क मशीन करता है, लेकिन किडनी जो है यहाँ नेचुरल तरीके से करता है। यानी जब कोई चीज़ नेचुरल तरीके से होती है तो बहुत ही बेनिफिशियल होती है, वहीं अगर आर्टिफिशियल तरीके से होती है तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप डायलिसिस के लिए जाते हैं तो सबसे पहले काम यही किया करिए कि अपने पूरा अच्छा से खाना खा के जाया करिए। जो भी आपके डाइट में बताया गया है वो सारी चीज़ें अच्छे से खा के जाइए। और इनफैक्ट आप अपने बैग कैरी करिए डायलिसिस के साथ। एक बैग में आप चाहें तो कुछ खाने की चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि कुछ स्वीट भी रख सकते हैं, तो कभी कभी कुछ नमकीन भी रख सकते हैं, और आप दोनों भी रख सकते हैं। अपने बैग में ज़रूर ज़रूर कैरी किया करिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत हेल्पफुल होती हैं। हमें लगता है कि और डायलिसिस कराने ईजली है, ठीक है इजी है। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कभी बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं आराम से जाती थी। लेकिन हाँ, मेरे साथ यही था कि मैं हमेशा खाना खा के और अच्छे से डायलिसिस के लिए ही गई हूँ। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती थी कि डायलिसिस कराते, क्योंकि वहाँ पर जाके कभी वेट करना पड़ता था आपको, राइट? क्योंकि कितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, कितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे पेशेंट्स की लंबी कतार लगी रहती है। तो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाओ तब भी वेट करना पड़ता था डायलिसिस के लिए, तो टाइम हो जाते हैं, प्लस आपका डायलिसिस में ही 4 आवर्स चले जाते हैं आपके, तो उतनी देर में, और ऊपर से डायलिसिस जो होती है तो हमारी जो अनबैलेंस होने लगती हैं चीज़ें, उस टाइम क्या होता है कि अगर आप कुछ खा सकते, कितने लोग कहते हैं डायलिसिस के टाइम में कुछ खाना नहीं चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने वाले खाते हैं, इनफैक्ट मैंने भी खाया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ होने से पहले जैसे बीपी लो होती है तो हमें फिर वो चीज़ पता चलने लगती है। आपको ही पता होगा जब बीपी लो एकदम से होने लगती है, तो मुझे तो चक्कर आते थे, तो मुझे पहले ही पता चल जाता था बीपी लो हो रही है मेरी। उस टाइम क्या होता है, फ्लूइड बंद कर दिया जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप अपने साथ कुछ कैरी कर लो खाने का, और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद कुछ भी छोटा सा स्नैक्स ही बोलो आप, उसे खा लो। इससे क्या है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। उससे आपको वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उस टाइम आपके जो है बीपी भी डाउन नहीं जाएगा। तो मैं अब बस आपको यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है चीज़ें। और जब मैं डायलिसिस के लिए जाती थी, कभी कभी ऐसी जो प्रॉब्लम आ जाती थी तो वहाँ के डॉक्टर्स भी मुझे यही सलाह देते थे। और फिर मैंने ये भी चीज़ें फॉलो की, मैं हमेशा अपने साथ एक बैग लेके जाती थी और उसमें छोटी से छोटी चीज़ें, यानी कि पूरा खाना लेके मैं जाती थी, बट कोई भी छोटी से स्नैक्स की चीज़ें, एक नमकीन एक मीठा मैं ज़रूर अपने साथ रखती थी, और वो सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई। तो आपको भी ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी कि आप अपने डायलिसिस के लिए जब भी जाओ तो ये सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करो, और घर से हमेशा ही पेट भर के खाना खा के जाया करिए अपने डायलिसिस के लिए। फिर ऐसी प्रॉब्लम्स आने की बहुत ही कम से कम चांसेस हैं। तो गाइज, ये सारे क्वेश्चंस थे, यानी कि आज के क्वेश्चन आंसर ब्लॉग पार्ट 2 की इतने क्वेश्चंस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ब्लॉग जल्दी ही बनाएंगे और फिर आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो गाइज, होप आप सबको मेरे वीडियोस जो है पसंद आते हैं, क्योंकि मैं जो है पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं कोशिश करूँगी कि हमारी जो फैमिली है और भी ज़्यादा बड़ी हो। तो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल, और जितना हो सके लाइक कमेंट और शेयर करिए। शेयर करेंगे ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है और बढ़े, और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो पॉजिटिव थिंकिंग करें। आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि अगर आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है या आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो इस बात से बिल्कुल भी घबराइए मत कि आपकी ज़िंदगी जो है
वो खराब हो गई है या फिर आप किसी काम के नहीं हो या आप बहुत वीक हो गए हो, सबसे पहली बात ये सब सोचना बंद करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। तो होप आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और आप जो है बैठ के रोने से अच्छा है कि उन प्रॉब्लमों का सलूशन हम निकालें। तो सलूशन निकालने वाले बनिए, ना कि जो प्रॉब्लम लेकर बैठे रहते हैं वैसे। तो गाइज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ जब आप लोग मुझे मोटिवेटेड कमेंट्स करते हैं। आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी। गाइज चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल एंड प्लीज स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।